मैं विक्रम सिंह चौहान, श्री ओमरा साफा शेरवा निहाउस अलवर। आज हम आपको सिखाएंगे राजपूती जोधपुरी साफा। पिछले वीडियो में हमने आपको पतरंगा साफा सिखाया था, इस बार हम आपको बड़े आसान तरीके से लहरिया साफा बांधना सिखाएंगे कि राजस्थानी सिंगल पट्टी वाला जो लहरिया साफा होता है एक कलर का, वो किस प्रकार से बांधा जाता है। ये अपन ने साफा लिया, एक बार इस पूरे साफे को इस तरह खोल देंगे, खोल करके एक बार ऐसे कलप उतार लेते हैं इसकी। कलप उतारने के बाद अपन इसे बांधना स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बड़े आसानी से आपको बांधना सिखाया था, इस वीडियो में एक कलर का साफा है, आप एक बार में साफे को सीख सकते हो बांधना। देखिए तरीका वही रहेगा, ये अपना लेफ्ट हैंड है, इसमें पकड़ा और यू इसको यहां नॉक किया, और हमने पहले भी बताया था तिरछा लेते हैं साफे को, तिरछा बांधने के लिए। ये तिरछा लिया, एक हाथ अपना यहां रहेगा, अभी तक साफा अपना सीधा आ रहा है, अपन को केवल इसकी दिशा चेंज करनी होती है, ये हाथ यूं लग जाए और इस हाथ से यूं। इसी के साथ लगातार चार बार, चार या पांच बार इस साफे को यूं ही लेते रहेंगे। ये देखो लगातार तीन से चार बार एक के ऊपर एक पट्टियां अपन लेते रहे, हल्का भारी एडजस्ट अपन कर ही लेंगे इसको। ये देखो ऐसे हम आपको सिंगल पट्टी में साफा बांधना सिखाएंगे, बड़े आसानी से आप इसे सीख पाओगे। पट्टियां यूं बनानी होती हैं। ये देखो एक हाथ अपना अंगूठा यहां लगा हुआ है जिससे ये दबा रहेगा, और इस हाथ से अपन केवल इसकी दिशा चेंज कर रहे हैं, यूं केवल दिशा, बाकी कुछ नहीं। पीछे से यदि खराब होता है तो इसे अपन ऐसे करके सही कर लेंगे। यहां अपन ने अंगूठा लगा दिया, जोर से दबा लिया है, ज्यादा जोर से भी नहीं, इससे साफा इधर उधर नहीं होगा और बड़ी अच्छी पकड़ रहेगी आपकी। ऐसे किया, ये साफा लिया, यहां से अपन ने ये हाथ लगाया और मात्र धीरे से बड़े आसानी के साथ यूं इसकी दिशा बदल देंगे। आप शीशे में बांधकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से सीख पाओगे। पट्टियां बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, साफे को जैसे यदि कहीं से मुड़ता है तो हल्का बार इसको राउंड हो जाए तो इसको स्ट्रेट करना है, पर बड़े ऐसे ऐसे यूं मिलाते हुए पट्टियां बनानी होती हैं। और वही तरीका, ऐसे नॉक किया है, यहाँ ये हाथ यूं है, अंगूठा यहाँ लगा हुआ है, हाथ यहाँ है, ये लिया और बड़े आसानी से धीरे से फिर केवल दिशा चेंज करनी है, हमने कुछ नहीं करना होता इसमें। एक बार फिर देखें, बार बार वही तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, पट्टियां बनाना सिखा रहा हूँ, एक पट्टी में आपने बनाना है। ऐसे साफों में लास्ट वाली जो पट्टी होती है वो मेन होगी, ये वाली, ये जो लास्ट पट्टी होती है ये मेन रहेगी। हल्का सा हाथ से अपन इधर उधर से कर लें, ऊपर तक यहां तक मिलाते हुए अपन को पट्टी बनानी है पूरी। इसमें अभी तक आपका साफा जैसा भी बंधा, भदरंग भी रहा हो, तो इस वाली पट्टी में ये वाला साफा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अपन ने पट्टी बनाई, नीचे से ऊपर तक मिला लेंगे पहले, वह यहां तो नीचे से मिल गई, यहां ऊपर जहां तक जा रहा है वहां तक मिल गई। अब यदि ऐसा लग रहा है कहीं किंतु परंतु लग रही है आपको, ऐसा लग रहा है साफा भी बद्दा रहेगा, एक बार हाथ यूं फेर देंगे पूरी पट्टी में, ऐसे हाथ फेरने से ये देखो इसकी शाइनिंग जो है वो बनी रहेगी, कहीं भी मोड़ तोड़ नहीं रहेगा साफे के अंदर। और वो लास्ट वाले को थोड़ा टाइट करके हल्का सा ऐसे दबाया है, यहां से वो ही पूरा हाथ जाए और यहां तक अपन ने अब भी दिशा ही बदली है, कुछ नहीं बदला है। और अच्छा छुरंगा बनाने के लिए एक बनाने पिछले वीडियो में एक सजेशन भी दिया था, उसको हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं क्या करना है कि छुरंगा अपना उठा हुआ सा दिखता रहे। उसके लिए ये वाली चीज अपन इसको दो तरह से लॉक कर सकते हैं, एक तो ऐसे भी लॉक कर देते हैं यू, दूसरा लॉक करने का तरीका ये भी है कि ये छोटा वाला जो हिस्सा होता है इस हिस्से को बड़े वाले हिस्से के चारों तरफ यू घुमा देंगे, ये लो सब टाइट करके ये घुमा दिया तो ये अलग ही पूंछ सी बनी रहेगी। और इसको एक हाथ से यू करेंगे, एक उंगली से दो उंगली से ऐसे करके, और तीसरी उंगली से बड़े आराम से आसानी के साथ इसे यू दबा देंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अंत में जहां से अपन कहीं भी कोई भी चीज हाथ में आ रही है, कोई सी भी पट्टी, उस पट्टी को यू लेकर के सर को कवर कर देंगे, पूरे सर को, यानी आपके बाल
कवर हो जाएंगे। और आप शीशे में बांध कर प्रैक्टिस करोगे, बिना शीशे तो सीधे नहीं सीख पाओगे, बड़े आसानी के साथ शीशे में देख करके ऐसे अपन इसको जहाँ अपन को एडजस्ट करना है वहाँ कर लेंगे। ये आपका जोधपुरी गस्साई साफा बंद करके तैयार है, पूरा साफा ये बंद गया है और बनकर तैयार है। अंदर की श्री ओम बना साफा शेरवानी हाउस अलवर, एक बार यहाँ करके विजिट जरूर करें।